लोकसभा उपचुनाव में आप प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू की जीत के बाद आप पार्टी ने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की। उपचुनाव में जीत दर्ज कराने वाले नव निर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे। जलंधर सीट से आम आदमी पार्टी का लोकसभा में खाता खुला। सुशील कुमार रिंकू सीएम से मिलने यहां पर पहुंचे थे। सुशील जी, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो द्वाबा, कांग्रेस का सिंपथी वोट और कांग्रेस का गढ़, तीनों से कैसे जीत मिली? देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो जो गारंटी हमारे भगवंत मान साहब ने, हमारे केजरीवाल साहब ने पंजाब के लोगों को दी थी, तो उन गारंटियों के ऊपर सरकार ने पहले साल ही काम करना शुरू किया। तो क्योंकि ये इलेक्शन तो अचानक आया है, किसी को तो इसका अंदाज़ा नहीं था कि होने वाला है, तो जो हमारे किए हुए काम थे आम आदमी पार्टी के, तो लोगों ने उन कामों के ऊपर जो मोहर लगाई है और इतना बड़ा जो हमें समर्थन मिला है जलंधर से, तो जो मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो काम की नीतियाँ हैं उनकी वजह से मिला है। लगभग 12 महीने का समय आपके पास है और लोकसभा में इकलौते सांसद आप हैं, कितने किन मुद्दों को उठाएंगे और क्या कुछ रणनीति रहेगी? पंजाब में 13 लोकसभा सीटें होती हैं, क्या कुछ रणनीति रहेगी सर आपकी? देखिए, हम 12 महीने को लेके नहीं चलेंगे, हमारा रोड मैप है जो अगले 5 साल का साथ में इंक्लूड होगा, क्योंकि इन 12 महीनों में तो शुरुआत हो सकती है कई कामों की। तो मैं समझता हूँ कि जलंधर के लोगों ने जैसे अच्छी वोटिंग की है, शुरुआत की, क्योंकि भगवंत मान साहब की सरकार ने अच्छी शुरुआत की थी, तो उसकी वजह से अच्छी वोटिंग हुई, तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छी शुरुआत, जो काम तो 11-12 महीने में निपटने वाले हैं वो तो इसमें निपटेंगे, जो लॉन्ग रन चलने वाले हैं उनकी शुरुआत करवा दी जाएगी। थैंक यू। सुशील कुमार रिंकू थे जलंधर, जो लोकसभा सीट है वहाँ से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुँचे थे, मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि आखिर 1 साल का रोड मैप क्या रहेगा जलंधर और पूरे पंजाब का, क्योंकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है सुशील कुमार रिंकू। समझना ये भी होगा कि जलंधर की जो सीट है वो कांग्रेस की पारिवारिक सीट रही है, पिछले 24 साल से वहां पर कांग्रेस का शासन रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो द्वाबा क्षेत्र के अंतर्गत आता है पंजाब में, जहां आम आदमी पार्टी की पकड़ थोड़ी कमजोर मानी जाती है, लेकिन सुशील कुमार रिंकू लगभग 58,000 वोट से वहां जीते हैं। लोकसभा में आम आदमी पार्टी का खाता खुला है और उसी में उसी दिशा में वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे, भगवंत मान इनके साथ थे और बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि आम आदमी पार्टी का लोकसभा में क्या कुछ स्टैंड रहेगा और आने वाले दिनों में जलंधर जो लोकसभा सीट है वहां पर विकास के क्या कुछ कार्य किए जाएंगे।